नमस्कार दोस्तों आरसी जॉब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पी सी दो हजार बीस प्रिलिम्स एग्जाम को लेकर है जैसा कि आप सभी तो को मालूम होगा कि प्रिलिम्स एग्जाम डेट प्रस्तावित है इक्कीस जून दो हजार बीस अभी तक प्रिलिम्स एग्जाम पोस्ट के संबंध में कोई भी सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को नहीं दी गई है लेकिन मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि एक प्रतिशत परीक्षा नहीं होगी कई अभ्यर्थियों ने इस पर भी सवाल उठाया कि 101 प्रतिशत क्या होता है सौ ही प्रतिशत होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 101 प्रतिशत फुल कॉन्फिडेंस और सही जानकारी होती है 100 प्रतिशत में भी मैं डाउट मानता हूं। आपको बता दें कि जो 10 दिन पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया था उसका सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा वही बातें आज के समाचार पत्रों में छपी हुई हैं सेम टू सेम वही बातें छपी हुई हैं उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे इन स्क्रीन में उस वीडियो को लगाया गया है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वह वीडियो आप देख पाएंगे आप उसको सुनिएगा और आज के समाचार पत्रों को पढ़िएगा तो आपको एहसास होगा कि इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा दस दिन पहले सेम टू सेम वही जानकारी आपको दी गई थी आज के समाचार पत्रों में बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा वही बातें पिछली वीडियो में मेरे द्वारा कहा गया था परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और आपके परीक्षा केंद्र नज़दीक किए जाएंगे इसके बारे में भी मेरे द्वारा आपको बताया गया था जैसे अगर आपका मूल निवास स्थान गोरखपुर है तो हो सकता है आपको अयोध्या या फैजाबाद भेज दिया जाए ना कि लखनऊ तो तर्क के साथ पूरी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई थी अब आज के समाचार पत्रों में बताया गया है कि 21 मई के बाद निर्णय लिया जाएगा कि 21 जून 2020 को परीक्षा होगी या नहीं होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा नहीं होगी मुझे तो लगता है समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको उल्लू बनाया जाता है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और जो भी जानकारी होती है मैं खुद पता करता हूँ सही जानकारी मिलने के बाद आप तक अवगत कराता हूँ मैं कभी भी आपको समाचार पत्रों की कटिंग नहीं दिखाता हूँ जब भी दिखाता हूँ तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ साथ ही साथ समाचार पत्रों की बातें मैं कभी भी सही नहीं मानता हूँ आप इसको नोट कर लीजिए लेकिन जो आज के समाचार पत्रों में 31 मई 2020 के बाद की बात की गई है उसका मात्र एक ही अर्थ है अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी तो परीक्षा नहीं होगा और लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ेगी तो परीक्षा होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चाहे लॉकडाउन की अवधि बढ़े या ना बढ़े या अलग बात है लेकिन 21 जून 2020 को परीक्षा नहीं होगी और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 14 या 15 जून 2020 तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी राज्य के ऊपर निर्भर किया जाएगा पिछले की अपेक्षा आपकी बार और छूट आपको मिल सकती है और कुछ कड़ाई भी हो सकती है तो आप लोग धैर्य बनाए रखें अपनी तैयारी पर फोकस करें समाचार पत्रों पर ध्यान न दें पेपर की कटिंग मत देखें क्योंकि पेपर कटिंग के आधार पर कुछ भी नहीं होता है